हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आर यू फाइन ओके नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेफ्टी एट होम सेफ्टी एट होम घर के अंदर हम क्या क्या सुरक्षा अच्छा? रखना है घर के अंदर हम स्टे अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स हॉट ऑब्जेक्ट्स हॉट ऑब्जेक्ट्स मीन्स गरम गरम चीज़ें जो गरम चीज़ होता है उसे हम दूर रहना है स्टे अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स गरम चीज़ों से दूर रहना किचन में जाके और स्टोव के पास नहीं जाना ठीक है आ, बच्चों के लिए ये बिल्कुल डेंजर है और नेक्स्ट वॉक केयरफुली ऑन द वेट फ्लोर जो पा फ्लोर में पानी गिरा तो हम उसके ऊपर से धीरे से चलना क्योंकि फिसल जाते हैं पैर गिर जाते हैं और कुछ हो सकता है इसलिए गीले जगह में से ध्यान से चलना ओके उसमें पैर मंद लगाना ये ध्यान रखना वॉक केयरफुली ऑन द वेट फ्लोर नेक्स्ट स्टे अवे फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड द टूल्स जो पोना पोना चीज़ होता है चाकू वगैरह हाँ ऐसा चीज़ों से दूर रहना ये बच्चों के लिए ठीक नहीं खेलने का चीज़ नहीं है क्या होगा हमारा हाथ खट जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा ओके नेक्स्ट स्टे अवे फ्रॉम वायर्स एंड सॉकर्स जो बिजली का तार होता है वो प्लग होता है तार लगाने का हाँ वो सारे जगहों में से हम दूर रहना है ये अपने लिए बिल्कुल अच्छा नहीं डेंजर बहुत कधरा होता है इसमें हाथ नहीं लगाना चेड़ नहीं करना कुछ भी नहीं करना ओके नेक्स्ट डू नॉट क्लाइम शेल्स और टेबल्स अगर अपना घर पे टेबल है और कपड़ा रखने का शेल्फ है अलमीरा है हाँ इसके ऊपर मत चढ़ना डू नॉट क्लाइम डू नॉट क्लाइम द शल्फ और टेबल्स डू नॉट क्लाइम विंडो सिल्स विंडो में खिड़की में भी ऐसे पकड़ पकड़ के चढ़ना नहीं अगर हाथ छूट गया तो क्या होगा है? आ, हम नीचे गिर जाएंगे हाथ पैर टूट जाएंगे हड्डी फिर बहुत तो मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर के पास जाना है प्लास्टर चढ़ाना है क्या क्या होता है इसीलिए इसमें से दूर रहना ओके स्टे अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स वॉक केयरफुली ऑन द वेट फ्लोर स्टे अवे फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड टूल्स स्टे अवे फ्रॉम वायर्स एंड द सॉकेो नाट क्लाइम्ब ऑन द शल्व डो नाट क्लाइंब विंडो सेल्स समझ में आया हाँ यह सारे चीज़ों को दूर रहना आ, ये अपने लिए घर के अंदर हम सावधानी रखने का चीज़ है यह सारे चीज़ें ठीक है हम यह सा सारी चीज़ों से सावधानी से रहना ओके ये अपना कॉपी में लिखना और स्पेलिंग भी लर्न कर लेना दो दो ज़रूर याद करके रखना ठीक है